दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा है, दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अनदर यूजर। ऐसा लिखा हुआ तब आता है जब हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई को डिलीट यानी अनइंस्टॉल कर देते हैं और फिर दोबारा से योनो एसबीआई को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसमें किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तब इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है, दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अनदर यूजर। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इस मोबाइल में योनो एसबीआई के अंदर आप पहले से ही किसी और अकाउंट के साथ लॉगिन हैं, इसलिए आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन नहीं हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी समस्या का समाधान करेंगे और देखेंगे कि हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई के अंदर किसी दूसरे अकाउंट से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी एक मोबाइल में योनो एसबीआई के अंदर आप केवल एक ही बैंक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल से योनो एसबीआई को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं और फिर दोबारा इंस्टॉल करने के बाद यदि आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योनो एसबीआई के अंदर दो अकाउंट से रजिस्टर करने की फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से योनो एसबीआई को डी रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी योनो एसबीआई को परमानेंट डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप अपने मोबाइल में योनो एसबीआई के अंदर किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर कर पाएंगे। तो इसे कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, योनो एसबीआई को डी रजिस्टर करने के लिए या परमानेंट डिलीट करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आपको योनो कस्टमर केयर में फोन लगाना पड़ेगा। मैंने योनो कस्टमर केयर से बात किया है जिसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए और जो स्टेप मैंने फॉलो किया है सेम उसी स्टेप को आप लोगों को भी फॉलो करना है। और इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं आप लोगों को योनो एसबीआई के अंदर दोबारा से किसी दूसरे बैंक अकाउंट से रजिस्टर करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग को हम सुन लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यदि हम योनो एसबीआई को अन इंस्टॉल करके और दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद यदि हम योनो एसबीआई को ओपन करते हैं और किसी दूसरे अकाउंट के साथ इसमें लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखता है, अलाउ कर देंगे। नीचे में लिखा है एग्जिस्टिंग कस्टमर, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे फर्स्ट में लिखा है लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एस पर क्लिक करेंगे। योनो एसबीआई के अंदर पहले जिस यूजर नेम और पासवर्ड से हमने लॉग इन किया था उस यूजर नेम और पासवर्ड को इसमें न डाल के किसी दूसरे यूजर नेम और पासवर्ड को इसमें डाल के देखते हैं कि क्या लिखता है। यहाँ पर मैंने यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। रेफरल कोड ऑप्शनल है इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। सबसे नीचे में है सबमिट, तो हम यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर कोई दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करने की कोशिश किया तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है, दिस डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अनदर यूजर, यानी हमने पहले ही किसी दूसरे अकाउंट के साथ इसमें रजिस्टर किया है, इसलिए जब तक हम इस योनो एसबीआई को डी रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक हम इस योनो एसबीआई के अंदर किसी दूसरे अकाउंट के साथ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ओके कर देते हैं और अब चलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ और उसी रिकॉर्डिंग के अनुसार आप लोगों को भी काम करना है। योनो के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू योनो हेल्पलाइन। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। लॉगिन संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। उत्पाद और सुविधाओं के लिए 2 दबाएं। अपने सुझावों और शिकायतों के लिए 3 दबाएं। एटीएम कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए 4 दबाएं। अपने मोबाइल को डी रजिस्टर करने के लिए 5 दबाएं। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि एमपिन, पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। नमस्कार, हमारे सभी अधिक नमस्कार, मैं तन्मय, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाँ नमस्कार सर, योनो को डीएक्टिवेट करना है। योनो डी रजिस्ट्रेशन करना है आपको? हाँ सर, डी रजिस्टर करना है, मुझे दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना है दोबारा से। योनो का रजिस्टर मोबाइल नंबर आप बोलिए। हाँ सर, 7979838। हाँ मैं कर देता हूँ लाइन पर बने रहिए। ठीक सर, अकाउंट नंबर दीजिए। 3032
5 6। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। एड्रेस के माफी चाहेंगे, ब्रांच क्या है आपका? ब्रांच धनबाद, मेन ब्रांच। धन्यवाद, हो गया रजिस्टर आपका, ठीक है? हो गया सर। नहीं सर, बस धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने योनो SBI को परमानेंट डिलीट कर दिया है, यानी योनो SBI से हम डीरजिस्टर हो चुके हैं। अब चलिए दोबारा से हम किसी और अकाउंट के साथ इसमें रजिस्टर करके देखते हैं। कुछ देर पहले ही जो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर हमने लॉगिन करने की कोशिश किया था, उसी यूजर नेम और पासवर्ड से यहाँ हम दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम दोबारा से लॉगिन हो पाते हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले वाला यूजर नेम डाल दिया है और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। रेफरल कोड ऑप्शनल है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब नीचे में लिखा है सबमिट, तो यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पर हम अगले पेज पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है सेट MPIN, यानी योनो SBI के अंदर लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर 6 अंकों का MPIN बनाना है। खैर, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि MPIN कैसे बनाना है। केवल मुझे आप लोगों को दिखाना था कि योनो SBI के अंदर हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर MPIN सेट करने के बाद नीचे लिखा है नेक्स्ट, हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर योनो SBI के अंदर किसी दूसरे अकाउंट से रजिस्टर कर लिया है। यहाँ देखिए लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, गो टू लॉगिन। गो टू लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम योनो SBI में लॉगिन वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है, यहाँ पर MPIN लिखा है, यूजर ID लिखा है, यहाँ पर इंटर MPIN लिखा है। हमने जो अभी 6 अंकों का MPIN बनाया है, उसी MPIN को यहाँ पे डाल देंगे तो हम योनो SBI में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग भी योनो SBI को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं या फिर योनो SBI से डीरजिस्टर हो सकते हैं, उसके बाद किसी और बैंक अकाउंट के साथ योनो SBI में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।